बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक वीडियो क्लिप है जी, मैं आपके साथ शेयर मेरे करने का मकसद सिर्फ ये होगा कि एहतियात कीजिएगा। ऐसे वाक़यात हमारे साथ भी बहुत हुए हैं और आपके साथ भी कुछ ना कुछ ज़रूर कभी ना कभी हुआ होगा। खासकर कल ही एक भाई ने मुझे कमेंट किया है कि मुझे 35 साल हो गए हैं सऊदी अरेबिया में। मैंने उसका कमेंट पढ़ा है तो मुझे पढ़ने के बाद मैंने माशाल्लाह बोला कि 35 साल, मैंने तो 10 ईयर का अरसा गुजारा है, तो भाई लग पता गया है। बहरहाल आपको यहाँ पर मैं कुछ पिक्चर और वीडियो क्लिप भी अभी दिखा देता हूँ। मैं एहतियात ये है जी कि भाई कभी भी कहीं भी खासकर पब्लिक प्लेस के ऊपर अपना मोबाइल या अपना पर्स वगैरह कंट्रोल में रखिएगा। हुआ कुछ यूँ, हाल ही की बात आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं मदीना अल मुनव्वरा में मौजूद थे हम, और हमारी रिहाइश के ऊपर ताले लगे हुए बाकायदा हमने लॉक किए हुए थे कमरे, और काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। जब वापस आए हैं तो लॉक भी वैसे लगे हुए हैं, लेकिन 2-3 रूम से मोबाइल जो दूसरे बंदों के पड़े हुए थे वो मोबाइल को बंदा ले गया था, जो कि बाद में मिले ही नहीं। तो अभी बार मैं आपको यहाँ पर एक क्लिप दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। ये क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक सऊदी लड़की है जी, काउंटर के ऊपर खड़ी हुई है। सऊदी अरेबिया में आपको हर तीसरी दुकान के ऊपर अभी खातून दिखाई देगी, तो हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, यूज़ कर रही थी। इतनी देर में एक काला आया जी अंदर, जो कि मशहूर है इस काम के सिलसिले में। तो उसने उससे कुछ ऐसे पूछा, तो खातून उसको आगे से कुछ जवाब देती है। उससे पहले आपने देखा होगा जी, उसने उसके हाथ से मोबाइल झपटाया और फरार हो गया है। अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन इससे जैसे ही ये गिरफ्तार होगा और कायदा मुदाफ़त दाखिले की तरफ से वो वीडियो जारी की जाएगी, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा।